अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पलटी मारी है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर यू टर्न लेते हुए कहा है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर किसी तरह की मध्यस्थता नहीं करेंगे। उन्होंने अब कहा कि कश्मीर द्विपक्षीय मसला है और इसे भारत पाकिस्तान को आपस में बात करके सुलझाना चाहिए। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने ये जानकारी दी है। दरअसल इससे पहले ट्रंप ने बीती 22 जुलाई को दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने को कहा था। हालांकि भारत के कड़े रुख के बाद अब ट्रंप प्रशासन ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जम्मू कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया से समर्थन की मांग कर रहे पाकिस्तान का हकीकत से सामना हो गया है। उसे समझ में आ गया है कि दुनिया में उसे कोई भाव नहीं दे रहा है। इसका इशारा खुद पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने किया है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में मीडिया से बात करते हुए कुरैशी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी हमें समर्थन मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हमें मूर्खों के स्वर्ग में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तानी और कश्मीरियों को ये जानना चाहिए कि कोई वहां आपके लिए नहीं खड़ा है। एक मसले को समझकर आगे ले जाना पेचीदा है। आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी रुकावट बन सकता है, क्या आपको कोई शक है? नहीं होना चाहिए। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। Let the people of Pakistan be aware. पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को बाखबर रहना चाहिए। कोई वहां आपके लिए मुंतजर नहीं खड़ा कि कोई आपकी दावत के लिए वहां नहीं खड़ा। ये तो आपको एक नई जद्दोजहद का आगाज करना पड़ेगा। कोई ऐसा साजगार माहौल नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के निमंत्रण का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमें प्लेन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप विपक्षी नेताओं के एक दल को कश्मीर में जाने की इजाज़त दे दें, इस दल में मैं भी शामिल रहूंगा। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि हमें कश्मीर में आज़ादी के साथ घूमने और लोगों से मिलने दिया जाए। राहुल ने कहा कि वो कश्मीर के नेताओं और वहां तैनात सैनिकों से भी मिलना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कश्मीर के हालात पर सवाल उठाए थे तो राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि वो उनके लिए विशेष विमान भेजेंगे। अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि ये फैसला देश के अधिकांश लोगों की इच्छा के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि भारत के विचार को जिंदा रखना है तो फिर जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। मनमोहन ने कहा कि देश गहरे संकट से गुजर रहा है और इसे समान विचार वाले लोगों के सहयोग की जरूरत है। पूर्व प्रधानमंत्री अपने पूर्व कैबिनेट सहयोगी एस जयपाल रेड्डी को श्रद्धांजलि देने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। भारत सरकार के खंडन के बावजूद विदेशी मीडिया कश्मीर में फर्जी विरोध प्रदर्शनों को दिखाने और छापने से बाज नहीं आ रही। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने कश्मीरियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष की खबर छापी और कहा कि लोगों में गुस्सा और दहशत व्याप्त है। दोनों ने अपनी खबरों में बीबीसी के फोटोग्राफ्स को दिखाया है। बीबीसी उर्दू ने अपने वीडियो में दिखाया है कि कैसे सुरक्षा बलों ने लोगों पर ये गोले दागे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह मनगढ़ंत और गलत बताया है। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि श्रीनगर और बारामूला में कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन उसमें 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं थे। देश भर में मॉनसून की मनमानी जारी है। ओडिशा के बालनगीर में भारी बारिश के बाद डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ झरने का तेज बहाव सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा दिखा। तस्वीरें यहाँ के हरिशंकर मंदिर की हैं, जहाँ पानी के तेज बहाव ने पूरे परिसर को अपने आगोश में ले लिया। दरअसल ओडिशा में बीते दो दिनों से भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक ओडिशा के 10 जिलों में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। अभी तक आपने पेड़ों पर पक्षियों को अपना घर बनाते हुए और उसमें रहते हुए देखा होगा, मगर ओडिशा के क्योंझर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां एक शख्स पेड़ पर घर बनाकर रहते हुए दिखाई दिया। दरअसल इस इलाके में हाथियों की दहशत ने उसके घर को तबाह कर दिया और उससे बचने के लिए उसे पेड़ पर अपना आशियाना बनाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति दिए जाने आश्वासन के बाद उसे गाँव भेज दिया गया।